पिछले 50 साल में हम क्या ज़्यादा माइंड को अभी ह्यूमन बिहेवियर को ज़्यादा अच्छे से समझ पाए हैं? आज साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स को बेहतर पता है कि कैसे डिप्रेशन को ट्रीट किया जाए. डिप्रेशन और सुइसाइडल टेंडेंसीज का इसमें कनेक्शन है आपस में? लेटेस्ट रिसर्च ये है कि डिप्रेशन और खुदकुशी या सुइसाइड का लिंक है. इमोशनल पेन को रिलीज करने के लिए ना हम डॉक्टर को के पास जाना ये कभी नहीं सोचते. अंधेरे के बाद हमेशा हमेशा रोशनी है. अस्सलाम वालेकुम, आई वेलकम यू टू इरम एट लाइफ वंस अगेन. जैसे कि आप जानते हैं कि हम साइंस ऑफ हैप्पीनेस पर अक्सर बात करते हैं. जितना हमें खुशी को जानने का जो है वो नॉलेज होना चाहिए, उतना ही ज़रूरी हमारे लिए ये है कि हम अनहैप्पीनेस को भी जो है वो डिस्कवर करें. क्या ऐसी वजूहात हैं जो हमें नाखुश करती हैं, जिससे हम अपसेट होते हैं? आपके साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च शेयर करना चाहती हूँ कि दे कंडक्टेड a very impressive study on why people are unhappy. आज का जो modern इंसान है, 21st century में रहता है, जदीद निज़ाम ज़िंदगी है, बेहतरीन निज़ाम तालीम होने के बावजूद भी हम इत्मीनान नहीं है, हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं है. They could come up with this finding के इंसान की जब expectation of reality exceed करती है experience of reality के साथ, तो वो सबसे ज़्यादा अनहैप्पीनेस कॉज करती है. और उसकी तीन वजह जो है दे कुड कम अप विद के इंसान जो है वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्यों रखता है, बिकॉज उसकी जो इमेजिनेशन है, और उसमें सबसे बड़ा रोल आज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी जाता है कि जो चीज़ें, प्लेसेस, थिंग्स, पीपल हम मीडिया पर देखते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फेक और फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन होती है, और उससे हम इमेजिन करना शुरू कर देते हैं अपनी रियलिटी को इन अ वेरी अनरियलिस्टिक मैनर. और इसके साथ जो हमारे सोशल कंपैरिजंस हैं, मैं इंटरपर्सनली अपनी ज़िंदगी को जब कंपेयर करती हूँ उसके नतीजे में भी मेरी जो एक्सपेक्टेशन है मेरी रियलिटी से वो अनरियलिस्टिक होती हैं. इसके साथ तीसरी वजह ये थी कि इंसान जो है वो अपनी प्रेजेंट को अपने पास्ट के साथ कंपेयर करता है, और उससे उसके नतीजे में भी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो अनरियल रखना शुरू हो जाता है. एक और रिसर्च कहती है कि हम इसलिए भी नाखुश, डिप्रेस या अपसेट होते हैं क्योंकि हम ऑब्सेसिव सेल्फ सेंट्रिक थिंकिंग का शिकार हैं. अब ये क्या है सेल्फ सेंट्रिक थिंकिंग, जिसमें मेरा पास्ट, मेरा फ्यूचर, मी मी मी, एंड यू आर ऑल द टाइम थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ. जब हम अनहैप्पीनेस स्टेट की बात करते हैं तो इट टेक्स अस टू आर डिफॉल्ट पोजीशन और नेगेटिव बायस जो इंसान का है, कि इंसान अक्सर अपनी ज़िंदगी के बारे में नेगेटिव जो है वो सोचता है, या वो चीज़ें जो उसकी ज़िंदगी में काम नहीं करती. डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के ऊपर हम आज बात करेंगे, क्या डिप्रेशन को ट्रीट किया जा सकता है, और अगर डिप्रेशन को ट्रीट ना करें तो क्या ये किसी तरह से जाकर इंसान के अंदर सुइसाइडल टेंडेंसीज या बिहेवियर को कंट्रीब्यूट करता है या नहीं, क्यों हमारे पास साइकोलॉजिकल, इमोशनल वैक्यूम्स, वॉइड्स को हैंडल करने का जो है वो कोई मैकेनिज्म नहीं है. आज मैंने इनवाइट किया है मिस्टर अलेसांड्रो को. थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम. एंड आज हम, ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट काउंसलर इन द टाउन, सो वी शुड बी वेरी ऑनर्ड टू हैव हिम. सो टेल अस अलेसांड्रो, हैव यू हैड एनी डायरेक्ट पर्सनल और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस विद डिप्रेशन? I suppose I've been unhappy in my life many times, as you said, we all experience this. Mere khayal mein na mera jo zyada na depression ke sath tajruba hai wo indirect hai. Yani mere do dost the jo ek to mild depression ka shikar tha aur ek yani darmiyana no aur ek serious depression ka shikar hai. Shikar tha yani uske liye problems zyada the. Theek hai. और ये नो हमारी ऑडियंस के लिए अच्छा है जानना कि डिप्रेशन के कुछ दर्जे है. सही. एक स्टेजेस है ना. एक पहला स्टेज है जो है लाइट डिप्रेशन, और एक माइल्ड डिप्रेशन, और एक सीवियर डिप्रेशन. ठीक है. जो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मगर जो जितनी रिसर्च मैंने पढ़ी ये है कि दो किस्म की ट्रीटमेंट है डिप्रेशन के. एक है जो टॉकिंग थेरेपी.
ठीक है, जिसको हम काउंसलिंग, साइकोथेरेपी या कोचिंग या अकॉम्पनीमेंट, हम ये सारे अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं ना इंग्लिश में, यानी किसी के साथ बात करना जो माहिर हो, और ख़ास तौर पर नफ्सियाती साइंस में ना, साइंस नफ्सियात में माहिर हो, उसमें उसके साथ बात करना और बातचीत करके ना वो आपकी मदद कर सकता है आहिस्ता आहिस्ता ना तो अपनी अपनी प्रॉब्लम के जड़ जाने के लिए. ये टॉकिंग थेरेपी ना वो कभी कभार अकेला काफ़ी नहीं है. ठीक है, तो उसके साथ ना उसके साथ फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट चाहिए, मेडिसिन भी चाहिए आपको. दवाई बिल्कुल. आपको क्या लगता है कि जो पिछले 50 साल में हम क्या ज़्यादा माइंड को, अभी ह्यूमन बिहेवियर को ज़्यादा अच्छे से समझ पाए हैं, या आज भी हम जब डिप्रेशन को हैंडल करते हैं, ट्रीट करते हैं एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज ए काउंसलर्स, एज ए कोचेस, तो क्या हमारी अप्रोच में कोई वैरायटी, कोई वेरिएशन, कोई जिद्दत आई है, या इट्स मोर और लेस द सेम? मेरा जो इम्प्रेशन ये है ना कि आज ना आज हम वो लोग जो डिप्रेशन के शिकार हैं वो ज़्यादा खुशकिस्मत है. किस सेंस में? इस सेंस में कि आज साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स को बेहतर पता है कि कैसे डिप्रेशन को ट्रीट किया जाए. ज़्यादा कॉम्पिटेंट भी ज़्यादा कॉम्पिटेंट है. और वो आज ना शायद 50 साल की नीस्बत आज जो मैं देखता हूँ ना साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट के दरमियान ना वो ज़्यादा कोऑपरेशन है. ये मेरे ख्याल पब्लिक के लिए ज़रूरी जानना है ना कि जो साइकोलॉजिस्ट वो है जो टॉकिंग थेरेपी करते हैं, और साइकाट्रिस्ट वो है जो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं दवाई. एक साइकोलॉजिस्ट आपको दवाई प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता. अभी सीवियर डिप्रेशन के केसेस में ना शायद टॉकिंग थेरेपी अकेला काफ़ी नहीं है. मगर एक रिसर्च भी था कि फार्मास्यूटिकल यानी मेडिसिन अकेला भी ना काम नहीं करता. काम करता है मगर इतना अच्छा काम नहीं करता जिस बनिस्बत के दवाई कॉम्बिनेशन हो, दोनों साइड बाय साइड काम करता. बिल्कुल बिल्कुल. और ये जो तजर्बे जो इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस जो मेरे थे ना, मेरे दोनों दोस्त ना वो दोनों ने, इसलिए कि उनकी डिप्रेशन माइल्ड और सीवियर के दरमियान था, दोनों ने दवाई भी ले ली. ठीक है. और मगर डॉक्टर्स खुद जिन्होंने दवाई प्रिस्क्राइब किया, डॉक्टर खुद हैरान थे कि इतनी जल्दी उनकी रिकवरी हुई. राइट. और क्यों हुई रिकवरी जल्दी? इसलिए कि उनका कोई साथ देने वाला था, यानी साथ साथ टॉकिंग थेरेपी भी थी. और मेरे ख्याल में ना, मेरे ख्याल में एक गहरी हकीकत है कि मतलब किस किस्म की दवाई दी जाती है नो डिप्रेशन के केस में. स्लीपिंग पिल्स और वो एंटी डिप्रेसेंट. राइट. अभी ये ऑलरेडी साइंस ने असर्टन किया ना कि ये दोनों दवाइयाँ नो सिर्फ किसी हद तक आपके डिप्रेशन के कंडीशन को बेहतर कर सकते हैं. सही. वो और मेरे दोस्त भी ने कंफर्म कर दिया कि उसने भी स्लीपिंग पिल्स और एंटी डिप्रेसेंट दोनों ले लिए एक किसी पीरियड के लिए. ठीक है. मगर वो मुझे बताता है कि जो वाकई उसकी मदद कर रही है ना वो है जो साइकोलॉजिस्ट के साथ वो बात करता है. क्योंकि अक्सर ना क्या होता है कि जब हम किसी के साथ बात करते हैं वो जो माहिर है वो हमारी मदद करता है कि हम दरियाफ्त करें कि हमारी डिप्रेशन का जड़ कौन सा है, कि रूट कॉज कौन सी है ना, कि वो जो बुनियादी वजह ना, बुनियादी वजह जब तक हम एड्रेस नहीं करेंगे. और वो शायद ना एक ऐसी चीज़ है जो जो साइकोलॉजिकल है, जैसे आपने कहा ना शायद एक्सपेक्टेशंस, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस. हाँ, उसमें हम ये कह सकते हैं कि साइकाइट्रिस्ट जो है वो आपकी जो है वो आपको एक एस्केप दे देता है, या फॉर टेम्पररी रिलीफ दे देता है, कि आप वो मेडिसिन से लेके एक डिफरेंट फेज में चले जाएं. बट वंस यू कम आउट ऑफ दैट फेज यू वॉन्ट टू फिक्स इट. आप चाहते हैं कि आपकी जो है वो हीलिंग तब शुरू होगी, या आप उस डिप्रेशन में से बाहर तब निकलेंगे जब आप उसकी जड़ तक पहुँचेंगे कि एग्जैक्टली क्या वजह है. मैं एक मिसाल मैं दे सकता हूँ पब्लिक को ना, मिसाल के तौर पर ना आप समझो कि आपकी जिस्म ना एक गाड़ी हो. सही. ना? और गाड़ी के अंदर एक इंजन है, वो इंजन हमारा दिमाग है. सही. ना? और एट अ सर्टेन पॉइंट नॉर्मली ना वो इंजन की स्पीड ना और की राउंड पर माइल्स जो है ना वो डिपेंड करते हैं कि आप कितना रेस लगाते हैं ना. ठीक है.
अभी डिप्रेशन कभी कभार इसलिए भी आता है कि इंजन खुद ब खुद हमेशा फुल रेस पे होता है. ठीक है. और ये हमारा दिमाग है जो हमेशा फुल रेस पे होता है. साइकाइट्रिस्ट क्या मदद करता है? वो करता है मदद क्योंकि अभी इंजन को थोड़ी देर के लिए रोकना तो चाहिए. yes, वरना yes. तो इलाज होगा ही नहीं. जी बिल्कुल बिल्कुल. तो वो दवाइयाँ ना वो मदद करती हैं कि जो साइकिल ऑफ एंग्जाइटी या साइकिल ऑफ डिप्रेशन को रोक ले. यानी वक्ती तौर पे उस इंजन को स्लो डाउन. और वो स्लो डाउन की जो अपॉर्चुनिटी दी जाती है वो है कि आप देख ले कि मतलब इंजन कि क्यों इतना अभी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया कि मैं अभी उसको ब्रेक पे लगा नहीं सकता था. इट वाज ऑलवेज ऑन द रेस. एग्जैक्टली. एंड दैट इज वो क्या कहते हैं ये चीज है ना. और उसके साथ आई थिंक उसी टाइम फ्रेम में अगर आप टॉकिंग थेरेपी जो है उसकी जैसे अगर आप डोज ऐड कर दें जिससे ये होगा कि आप फिर अपनी चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो इंटरप्रेट करने लगे. और उस दोस्त को ना वो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है. मगर देखो वो बहुत डबल माइंडेड था कि मैं साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के पास ना जाऊँ बल्कि वो जाना नहीं चाहता था क्योंकि वो महसूस करता था फिर इसका मतलब आई मेंटल. आपको पता है हालांकि जिस दोस्त की बात मैं कर रहा हूँ इस सोसाइटी में नहीं रहता. मगर जो हम कहते हैं जो लेबल्स जो स्टिग्मा स्टीरियोटिपिकल परसेप्शन वो सेम है अभी तक सेम है पूरी दुनिया में. सो लेट्स मूव ऑन टू दिस ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन. अगर कुछ डिप्रेशन अनट्रीटेड रह जाते हैं यानी उनका हम इलाज नहीं करते या हमारी कल्चरल ओरिएंटेशन जैसे आप बता रहे हैं के साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते और आप अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर करते हैं उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा लिंक करना चाहूँगी सुइसाइडल टेंडेंसीज एंड बिहेवियर के साथ. तो डू यू थिंक के डिप्रेशन और सुइसाइडल टेंडेंसीज का खुदकुशी करने की कोशिश का जो है कोई इसमें कनेक्शन है आपस में? है. वो एक कॉन्फ्रेंस में था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और एक साइकाइट्रिस्ट ने क्लियरली बताया ना कि अभी वो जो साइंस की रिसर्च है जो लेटेस्ट रिसर्च ये है कि डिप्रेशन और खुदकुशी या सुइसाइड का लिंक है. कॉजल लिंक हम कहते हैं ना कि यानी कि डिप्रेशन एक सुइसाइड की वजह बन जाती है अगर प्रॉपर तौर पर इलाज नहीं किया जाता या अगर कुछ सर्कमस्टांसिस की वजह से नो इंसान को खुद उस डिप्रेशन से निकले. अगर हम वो उस डिप्रेशन पर काबू नहीं पाते डिप्रेशन एक हम कहते हैं एक वजह एक फैक्टर है जो सुइसाइड की तरफ इंसान को ले जाता है. right. आप बता रहे थे कि देयर इज सम थ्योरी रिलेटेड टू सुइसाइडल टेंडेंसीज इंटरपर्सनल सुइसाइड थ्योरी उसके suicidal. बारे में थोड़ा सा हमें जो है वो इन्फॉर्म कीजिए. मेरी दिलचस्पी ना उस कॉन्फ्रेंस की बात पैदा हुई ना क्योंकि मैंने फिर रियलाइज किया कि ये साइकाइट्रिस्ट कह रहा था कि डिप्रेशन और सुइसाइड का लिंक है. मगर फिर सोच ये थी ना कि मुझे खुद पता है कि काफ़ी लोग हैं पूरी दुनिया में ना जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं जो डिप्रेशन के हाल में है मगर वो सब तो सुइसाइड तो नहीं करते ना. और फिर मैंने उसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया कि कौन कौन है वो लोग ना जो सुइसाइड करते हैं. और एक ये थियोरी ना जो थॉमस जॉइनर एक अमेरिकन सुइसाइडोलॉजिस्ट है यानी एक साइंटिस्ट है जो खुदकुशी को स्टडी करता है ना. वो अपनी टीम के साथ उन्होंने ये बहुत लंबी रिसर्च और मुश्किल रिसर्च क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इन टॉपिक्स के बारे में बात करना ना आसान नहीं है ना. और वो उन्होंने बहुत खूबसूरत रिसर्च की और एक थियोरी डिवेलप कर दिया. उनका इस थियोरी का नाम जैसे आप कह रहे थे है इंटरपर्सनल थियोरी ऑफ सुइसाइडल बिहेवियर. और मेरे ख्याल में ना इस थियोरी की खूबसूरती ये है कि वो थियोरी मदद करती है कि हम जान सके कि कौन कौन वो है जो शख्स जो ज़्यादा ख़तरे में है कि वो सुइसाइड कर सके. सही. तमाम डिप्रेशन के शिकार वाले लोगों में से कौन है वो लोग जो ज़्यादा
likely है जो ज्यादा vulnerable हैं या at risk हैं at risk और yes, हम उनको yes. prevent कर लें earlier उनको उनके depression को address करके और especially ना वो एक practitioner point of view पे psychiatrist के लिए psychologist के लिए अच्छा जानना है कि अगर आपके सामने एक ऐसा इंसान है जो कि ज्यादा खतरे में है तो एक्शन तो ज्यादा फैसला कौन होना चाहिए व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ दैट थ्योरी व्हिच एक्चुअली अलाउज अस थ्योरी इस सेंस में ना मुझे थ्योरी इसलिए अच्छा लगा क्योंकि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो सबसे पहला स्टेप ये है कि वो बताते हैं कि कब ना होने की ख्वाहिश इंसान के अंदर कब पैदा होती है ठीक है ना होने की ख्वाहिश पैदा होती है जब इंसान महसूस करता है कि मैं अकेला हूँ ठीक है और ना होने की ख्वाहिश तब भी पैदा होता है जब इंसान महसूस करता है कि मैं दूसरों के लिए बोझ हूँ राइट और फिर ये थ्योरी कहती है ना तो फिर ये ऑलरेडी एक ऐसी प्रेडिक्शन है जो टेस्टेबल है ठीक है कि जब आप उन लम्हात में जब आप ज़्यादा अकेला महसूस किया क्या आपके आप में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि आई विश कि मैं शायद पैदा ना होता शायद अभी तक सुसाइड की बात दूर है मगर कहता है मैं इस दुनिया में ना होता बेहतर होता शायद पैदा ना होता बेहतर होता ये नेगेटिव जो मनफी सोच जो आ जाती है उन लम्हात में जब अकेले महसूस होने का एक एक्सपीरियंस या दूसरों के लिए बोझ महसूस होने का एक्सपीरियंस सही मगर फिर थियोरी कहती है कि जब ये दोनों चीज़ें कंबाइन होती है राइट और एक बहुत खूबसूरत ग्राफिक तरीके से वो यूज़ करते हैं सेट थ्योरी ना कि अगर ये ना अगर दो सेट इमेजिन करते हैं जो सेट जो इंटरसेक्ट करते हैं ना ये एरिया जो इंटरसेक्शन का एरिया है ना वो कि बंदा अकेला भी महसूस करे और बोझ भी महसूस करे दूसरों के लिए तो मिलकर वो तब ख्वाहिश इरादा बन जाता है और ख्वाहिश और इरादे का स्टेप के स्टेप नो इस कदम उठाने के लिए कि एक ख्वाहिश ना होने के एक खुदकशी करने का इरादा बन जाता है वो तब है सिर्फ जब दोनों ये चीज़ कंबाइन होती है और फिर ये थ्योरी भी प्रेडिक्ट करती है कि ये भी काफ़ी नहीं है वो होना चाहिए कि कोई उम्मीद ना हो कि ये कंडीशन चेंज हो नहीं सकता ये जो अकेला होना और बोझ होना ये कभी खत्म नहीं होगा ये ऐसा ही रहेगा उसकी कोई उम्मीद भी ना हो आगे फ्यूचर में तब फिर वो इरादा और पक्का हो जाता है, ठीक है। और फिर भी ये काफ़ी नहीं है और ये मेरे ख्याल इस थ्योरी की का कमाल है कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि क्यों इतने ज़्यादा लोग जो शायद कभी सोचते हैं ना शायद जो अभी सुनने वाले होंगे उनमें से भी हुए होंगे जो जिन्होंने सोचा कि मैं चलो अभी ख़त्म करना चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी ना मगर क्यों एक इतना उनमें से सिर्फ एक बहुत महदूद मकदार है लोगों की जो ये करते हैं जो फिर वो कर पाते हैं सही तो इसको आई थिंक आप जो कैपेसिटी और एबिलिटी टू कमिट सुसाइड है उसकी तरफ लेके जाते हैं तो उसको थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए कि ये जो आपके अंदर जो है वो सलाहियत है कि क्या आप सिर्फ सोच रहे हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगी या कर लूँगा या आप एक्चुअली कैपेबल हैं या आपको क्या पीछे मुहर्रकात होंगे जो आपकी इस कैपेसिटी को एक्टिवेट कर देंगे वो स्टडी और रिसर्च ना इस वाकया इस फैक्ट्स से शुरू हुआ उन्होंने नोटिस किया कि मिसाल के तौर पर काफ़ी स्टडीज़ उधर अमेरिका या वो मगरब ममालिक में ना की कंडक्ट की गई कि मिसाल के तौर पर जिन्होंने सुसाइड कमिट किया जो अपनी ज़िंदगी में अमेरिकन आर्मी या ब्रिटिश आर्मी के में थे आर्मी में उन्होंने सुसाइड कमिट किया बाय यूजिंग द गन बंदूक या पिस्टोल इस्तेमाल करके ठीक है जो नेवी में थे उन्होंने सुसाइड कमिट कर दिया वो हैंग बाय हैंगिंग क्योंकि नेवी में ना इंसान को ट्रेन किया जाता है कि नॉट करने में ठीक है और जो एविएशन एयरफोर्स में थे वो उन्होंने सुसाइड कमिट कर किया बाय जंपिंग फ्रॉम हाइट किसी पूल से ना वो छलांग लगा फिर उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि मे बी देर इज अ कनेक्शन कहने यानी कनेक्शन क्या था कि उनका जो माजी का तजर्बा आर्मी में उन्होंने उनको इस काबिल बना दिया कि उनमें ना कोई शूटिंग का खौफ था वो गन हैंडलिंग उनकी महारत थी yes.
और शायद आर्मी में होने की वजह से उनका ज़्यादा एक्सपोजर था खून का और क्या कहते हैं कत्ल यानी मरे हुए लोग जी देखना जी. और उसके लिए दे वर लाइक मोर एबिचुएटेड जी 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 जिसकी वजह से नो ये सोच आई और उनको आहिस्ता आहिस्ता रिसर्चर्स को समझ आई और ये उन्होंने पॉजिट की और अभी वेरीफाई करने की कोशिश की कि वो लोग सुइसाइड कर सकते हैं जो मतलब फिजिकल पेन और फियर ऑफ डेथ को फियर ऑफ फिजिकल पेन और फियर ऑफ डेथ को ऑलरेडी ओवरकम कर चुके हैं. टेक्स अस टू अनदर क्वेश्चन के जब हम अपनी फिजिकल पेन जो है उसकी टॉलरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ऐसे लोगों में और जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल टॉलरेंस है जो ऑब्वियसली हम सारे ही किसी ना किसी तरह से कोई स्ट्रेस या इमोशनल टर्मोइल से गुजरते हैं बट वो इसमें इसके दरमियान ब्रिज नहीं कर सकते कि हाउ टू हैंडल दैट. उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन होगा? मेरे ख्याल में ये डिपेंड करता है इस पे कि हम अपने जिस्म को ज़्यादा आसानी से सुनते हैं अपनी दिमाग और माइंड को और स्पेशली नफ्सियात इमोशंस को नहीं. यानी जिस्म में थोड़ा सा भी पेन हो ना हम तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं मगर वो इमोशनल पेन को रिलीज करने के लिए ना हम डॉक्टर को के पास जाना ये कभी नहीं सोचते. नफ्सियाती कोई मसला हो एक बात यह है कि तू उसको पहचानना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है दूसरी बात यह है कि फिर वो हम साइकायट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पसंद नहीं करते क्योंकि हम कहते हैं तो फिर लोग मुझे बताएंगे कि मैं पागल हूँ. एग्जैक्टली. और फिर वो हमेशा के लिए शायद मेरे ऊपर एक किस्म का मोर लगाया जाएगा कि ये तो पागल बांधा है ये पगली है. वो इसलिए नहीं जाते. सो अगेन हम फियर में रहते हैं और अपने इमोशनल और साइकोलॉजिकल इश्यूज को एड्रेस नहीं करते हैं. और फिर ना वो ये भी है कि कुछ ऐसे रवैये है जो हमारी इमोशनल पेन को रिलीज़ करने में मददगार है मगर फिर वो हमारे जिस्म की के लिए ठीक नहीं है नुकसानदेह है. और मगर साथ साथ क्या होता है फिर हमारे जिस्म को हम एक किस्म की एक्सपोज करते हैं ना फिजिकल पेन को. तो ये भी इस सेंस में एक प्रिपरेशन है अकॉर्डिंग टू द थियोरी ने ये एक प्रिपरेशन है वो खुदकशी की तरफ. राइट. कमिंग बैक टू प्रिवेंटिंग सुसाइडल टेंडेंसेस आपको क्या लगता है कि इस थ्योरी में कोई ऐसी भी एरियाज हैं जो कि हाईलाइट करती हैं या साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट और कोचेस को ये डायरेक्शन देती हैं कि अगर ये सीरीज़ या ये फैक्टर्स या रिस्क फैक्टर्स किसी भी पेशेंट में किसी भी केस में मौजूद हैं तो ये फ्यूचर में सुसाइड अटेम्प्ट को जो है वो लीड कर सकती हैं. एक सिंपल मिसाल ना वो आप एक काउंसलर है एक साइकोलॉजिस्ट है एक साइकाइट्रिस्ट है पेशेंट है डिप्रेशन का शिकार है और आप नोटिस करते हैं कि उस पेशेंट में सेल्फ हार्मिंग का वो हैबिट है या यानी खुद को जिस्मानी नुकसान पहुंचने का अक्सर ये कटिंग के थ्रू होता है या और आदत रही है या उसकी जो है वो साइकोलॉजिस्ट के लिए ये एक रेड अलार्म होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी ना ऑलरेडी बाय सेल्फ हार्मिंग ना बाय इन्फ्लिक्टिंग पेन टू योरसेल्फ टू हरसेल्फ और हिमसेल्फ वो क्लाइंट ना वो साइकोलॉजिस्ट को ऑलरेडी बता रहा है कि मुझ में ना फियर ऑफ पेन ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है. और फियर हो सकता है कि फियर ऑफ डेथ भी रिड्यूस हो चुका है. डेफिनेटली फियर ऑफ ब्लड नहीं है फियर ऑफ हार्म नहीं है और इस सेंस में ना तो साइकोलॉजिस्ट को ज़्यादा फिर वो खबरदार होना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए. Exactly. और एक खूबसूरत चीज़ है आजकल ना साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट अभी अकेले कभी नहीं काम करते. मैंने देखा भी मेरे दोस्त ना जब साइकाइट्रिस्ट के पास गया साइकाइट्रिस्ट ने खुद रिकमेंड किया एक साइकोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट उस साइकाइट्रिस्ट के दोस्त है. इट शुड वर्क इट शुड बी अ टीम वर्क ना. और वो और फिर दोनों इन टच में है और जब साइकाइट्रिस्ट ना मेडिसिन का डोज रिड्यूस करता है वो अपने क्लाइंट के थ्रू साइकोलॉजिस्ट को भी बात पहुंचाता है.
यानी yes, मेरे दोस्त को बताता है कि आप अभी अपने साइकोलॉजिस्ट को बताइएगा कि मैंने डोज रिड्यूस किया, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट के लिए भी पॉजिटिव बात है, वो जानता है कि प्रोग्रेस हो रहा है, कभी डोज डोज मेडिसिन ऑफ दवाई की डोज रिड्यूस होती जा रही है तो फिर वो एग्जैक्टली एक हमारे पास लेटली ब्लू वेल के नाम से गेम थी राइट right? उसके साथ आप अपनी इंटरपर्सनल थ्योरी ऑफ सुसाइडल बिहेवियर को कैसे डू यू थिंक उसकी कोई जो है कनेक्शन है, कोई रेलेवेंस बनती है? वो एक ये एक बहुत ख़तरनाक वेबसाइट है, पता नहीं है कि था अभी, मगर एक बहुत ख़तरनाक वेबसाइट इसलिए है कि उन्होंने एग्जैक्टली मेरे ख्याल में ना इस थ्योरी की जो डिस्कवरी यानी जो के खुदकुशी करने के लिए कैपेबिलिटी एबिलिटी टू कमिट सुसाइड होनी चाहिए वो इस्तेमाल किया जाता है उस गेम में, जो कोई बहुत ख़तरनाक है। और मैं इधर नो अगर कोई एडोलेसेंट है जो हमारे शो को फॉलो आपके शो को फॉलो कर रहा है ना इस शो को, मैं कहना चाहूँगा कि गुरेज कीजिएगा और ख़बरदार रहिएगा, क्योंकि लगता है गेम गेम है ही नहीं, इसके पीछे बहुत ख़तरनाक वाली बात यही है कि उस गेम के थ्रू वो आपको एग्जैक्टली वही चीज़ दे देते हैं, यानी आपकी फियर ऑफ पेन और फियर ऑफ डेथ और फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ डेंजर, उसको कम कर देते हैं, यानी आहिस्ता आहिस्ता आपको इस काबिल बना देते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को वो क्या कहते हैं, अगर आप एक यंग पर्सन हैं और इस शो को फॉलो कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ज़िंदगी हमेशा जीने के लायक है। जितना अभी आपको अंधेरे के लामे में से गुजरे होंगे, जस्ट डोंट डू इट, डोंट थिंक अबाउट इट, देर आर पीपल and I think Iram is one of them, I'm one of them, there are so many people who are ready to accompany you, jo aapka saath dene ke liye taiyar hai, aap matlab iske bare mein mat soche ke wo andhere ke baad hamesha roshni hai. Thank you very much, thank you, it's always pleasure to have you on the show, and isi ke saath we have reached at the end of our program. Aaj ki discussion bahut sensitive aur bahut important hai, and I hope aap jo log dekh rahe hain आप अपने मेंटल हेल्थ को जो है वो सीरियसली लेंगे, जितनी हमारी जो है वो फ़िज़िकल हेल्थ, उसके लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, उसके लिए हम फिजिशियंस के पास जाते हैं, मैसेजेस के आप अपनी मेंटल हेल्थ को भी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि वो इवेंचुअली आपकी ज़िंदगी, आपकी पूरी जो डे टू डे लाइफ है वो सीज़ हो सकती है अगर आपने अपनी मेंटल हेल्थ को आज जो है वो एड्रेस नहीं किया है. खुश रहिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए और आपके जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस कीजिए. ऑलवेज राइज एंड शाइन. थैंक यू.